लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। माँ जी, आप थोड़ी देर यहाँ आराम कर लीजिए, तब तक मैं घोड़े को पानी पिला लूँ। शाबाश बेटा। तुम लोगों का मेरे साथ आना ठीक नहीं है भोला, वहां मौत की बाजी लगी है, अब भी वक्त है, लौट जाओ। भोला कायर नहीं है साथी, भोला ने सारा जीवन मौत के साथ खेलकर गुजारा है। भोला भोला वो देखा भोला, उस टांगे को देखा भोला, शायद उसमें मेरी मां आ रही है भोला। देख माँ, तेरे स्वागत को यहाँ का सरदार और मेरा दोस्त भोला आया। आहा, क्यों भाई पहलवान, सुनाओ क्या हाल है? सलाम है। सलाम भैया। ये तुझे क्या हुआ, तेरे सर पे चोट कैसे लगी? ये मेरी कमाई है माँ, मेरी मेहनत की कीमत। क्या कह रहा है तू, किसने तुझ पर हाथ उठाया? वही जिसके पास तुमने मुझे नौकरी के लिए भेजा था माँ, सरदार राजपाल। ये कैसे मुमकिन है, क्या बिगाड़ा था तुमने उनका? ये तो मुझे भी नहीं मालूम माँ, लेकिन एक दिन जरूर मालूम हो जाएगा, और उस दिन कोड़ा उसके हाथों के बजाय मेरे हाथों में होगा माँ। वो दिन आ गया है शंकर, ये लो कोड़ा और कर लो अपनी तमन्ना पूरी, बहाओ खून, लगाओ घाव पे घाव, अगर ये जिस्म फरियाद भी करे थूकना आकर मेरे मुंह पर। चलो भोला, तुम्हारा ढोंग मुझ पर असर नहीं कर सकता राजपाल, मैं बदला लूंगा, जरूर बदला लूंगा अपने जुल्मों का, मैं तुम्हारा गरूर खाक में मिला के रहूंगा। शंकर हाथ रोक ले, शंकर हाथ रोक ले, कहीं ऐसा ना हो बेटे का हाथ बाप पर उठ जाए। माँ ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ ये तेरे पिता है, वही पिता जिनसे तुझे नफरत है, लेकिन फिर भी तू इनकी औलाद है, इनका खून तेरी रगों में है। बाप बेटे के टुकड़े भी कर दे तो माँ संग दिल कहकर छोड़ देती है, लेकिन बेटा अगर बाप पर हाथ उठाए तो माँ उस दिन को कोसती है जिस दिन उसने ऐसे बेटे को जन्म दिया। शंकर कहाँ जा रहा है तू? तुम्हें याद होगा माँ, मैंने कहा था जिस दिन तुम्हें तुम्हारे पति मिल गए तुम्हें पति और बेटे में से एक को चुनना होगा। मैं जानता हूँ तुम्हारा फैसला क्या होगा, इसलिए तुम्हारे फैसले से पहले मैं तुम्हें खुद ही छोड़कर जा रहा हूँ, ताकि हमारे बिछड़ने का दोष अगर किसी को मिलना है तो मुझे मिले, तुम्हें नहीं माँ। रुक जा मेरे बच्चे, रुक जा। मैं जानता हूँ मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन याद रख मेरे बेटे, तेरे जिस्म पर घाव लगे हैं तो मेरे दिल में तेरे शरीर से लहू टपका है, तो मेरे दिल से तेरा जिस्म तड़पा है, तो मेरी आत्मा तड़पी है, और ये सब कुछ हुआ किस्मत के हाथ, इससे बड़ी बदकिस्मत और क्या होगी कि कोई बाप अपने बेटे को जलील करके घर से निकाल दे और अपने जीवन की सारी कमाई अपने दुश्मन के बेटे को अपना बेटा समझकर सौंप दे। ये क्या कह रहे हैं ना? ठीक कह रहा हूँ कमला, विष्णु और उसके बेटे सोहन ने मुझे चाल बिछा कर लूटा है, लेकिन मेरा खेल खत्म नहीं हुआ है, मेरा दावा भी बाकी है। ना,
कहाँ जा रहे हो ना? तुम अकेले हो, वो सारे के सारे। मैंने जीवन की हर लड़ाई अकेले ही लड़ी है कमला, मेरा कोई साथी नहीं। आखिरी बात उनसे पूछता, शहर चलना है या नहीं? आप भी कमाल करते हैं डैड, आखिर इतनी जल्दी क्या है? किस मुश्किल से कामयाबी हासिल हुई और आप इस कामयाबी का मजा ना लूटें? जो मजा लूटना है शहर चल के लूटना, यहाँ ठहरना खतरे से खाली नहीं। खतरा? कैसा खतरा? आप भी बड़े ही वहमी हैं डैडी। अरे बाप रे, सरदार राजपाल। राजपाल बंदूकें संभालो। बाजी अभी खत्म नहीं हुई, आखिरी दांव तो देखते जाओ। देख रहे हैं, थोड़ी देर में शंकर यहां आओगे, भागने तैयारी करो। गुनाहों की कीमत अदा कर चुका है, अब तो उसे माफ कर दो पिताजी। अब मुझे मौत का भी दुख नहीं, मुझे मेरा शंकर मिल गया। मेरी फिक्र ना करो, मेरी जिंदगी पर तो शाम आ ही चुकी है। मीना को बचाओ, वो बदमाश अभी अभी उसे मोटर में लेकर यहाँ से भाग निकला है। मोटर में? तुम फिक्र करो सरदार, भोला अपनी जान की बाजी लगाकर मीना को लाएगा। चलो साथी। मुझे क्षमा कर दो कमला, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। जिस आदमी की आपको तलाश, वो मैं ही। Thank you.
चलो जल्दी दर्द चढ़ाओ। बैठ जा आगे बढ़ाया तो इस लड़की को खाई में फेंक दूंगा। अगर मीना की जिंदगी चाहते हो तो चले जाओ ना। मुझसे जीतना इतना आसान नहीं शंकर, मैं मरूंगा लेकिन साथ तुम्हारी प्रीतमा को लेकर। आगे मत बढ़ो, मैं कहता हूं आगे मत बढ़ो। Thank you.